तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं। आप चाहें तो आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है, फाइनेक्स ब्राउज़र, मोज़िला ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं आप ओपन कर लेंगे। मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सर्च बार में टाइप करेंगे, सर्च बार में लिखेंगे CTET.NIC.IN। जी हाँ, सर्च बार में आप टाइप करेंगे क्या क्या लिखेंगे, CTET.NIC.IN। जैसे ही आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद बहुत सारा रिजल्ट आपके सामने शो होगा, सीटेट से रिगार्डिंग बहुत सारा रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। आप जो है ना CTET.NIC.IN सर्च करने के बाद नीचे गो का ऑप्शन रहेगा या फिर आपके फोन में सर्च का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप। आप क्या करेंगे, सर्च के ऊपर या फिर गो के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ। इस तरह से आपके सामने सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद आप एक एक चीज जो है ना पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए ये जो दिख रहे हैं ना, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन होगा, ये जो आपका, आप जो अभी अप्लाई करेंगे सीटेट के लिए, सीटेट अप्लाई जो करेंगे आप, तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा, वो दिसंबर महीने का होगा। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक नोटिस में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट 2022, इस तरह से। उसके बाद नीचे देखिए पब्लिक नोटिस डेटेड 20/10/2022 फॉर सीटेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन, यानी कि जो नोटिस आ रहा है ना, जो नोटिफिकेशन जारी होता है सीटेट रिगार्डिंग, सीटेट रिलेटेड, दोस्तों वो नोटिस जब जब जारी हुआ है, जब जब नोटिफिकेशन आया है, वो यहाँ पे आपके सामने जो है ना पब्लिक नोटिस हिसाब से यहां पे देख सकते हैं, सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। और सीटेट रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो, इन्फॉर्म अगर आपको जानना हो, कुछ भी चीज़ें आपको जानकारी लेना हो, तो आप यहाँ पे आके इस तरह से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स, डुप्लीकेट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2021 का अगर आपको रिजल्ट देखना है, तो यहाँ पे आने के बाद सीटेट दिसंबर 2021 का जो रिजल्ट है, जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट लिंक्स के दूसरे ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर्स दिसंबर 2021 जो गुजर गया है, उसका अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सीटेट जनवरी 2021 रिजल्ट, अगर आपको जनवरी का रिजल्ट देखना हो 2021 में जो सीटेट एग्जाम हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिशनल लिंक्स में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, उसके बाद सीटेट दिसंबर 2021 फाइनल एंसवर की, तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके जो है ना यहाँ पे आके देख सकते हैं। और एक एक लिंक के ऊपर, एक एक ऑप्शन के ऊपर टैप करके, क्लिक करके आप जो है ना सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को जो है ना विस्तार से, एक एक चीज़ को जो है ना डिटेल्स में जान सकते, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे जो तीन लाइन दिख रहे हैं ना आप सबसे ऊपर में दाएं साइड में कोने पे, यहां पे इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहां पे भी बहुत सारे ऑप्शन यहां पे देख सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, ई सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, अर्चीव, ये सारी चीजें। तो दोस्तों सीटेट के लिए फॉर्म भरना, आपको सीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आपको सीटेट का एग्जाम देना, तो उसके लिए यहाँ पे जो अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई सीटेट दिसंबर 2022 के ऊपर आप क्या करेंगे, टैप कर देंगे, क्लिक कर देंगे। मैंने अप्लाई सीटेट दिसंबर 2022 के ऊपर टैप कर दिया। उसके बाद जस्ट आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे भी आप आके यहाँ पे ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके सामने एक चीज शो हो रहा है, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 रेड कलर में, ये देख सकते हैं इस जगह में अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके का बटन है ना, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो दोस्तों ओके के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे, ओके के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगले पेज में ही आपको जो है ना सारी चीजें जो है ना जानकारी दे दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको इस वाले पेज में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कैसे भरना है, किस तरह से जो है ना फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे देखिए समझाया जा रहा है। देखिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2022, देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन करने के जो स्टेप्स है ना, चरण बाई चरण तरीके से जो भी चीजें हैं वो यहां पे आपको जो है ना समझाया जा रहा है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद पेमेंट पे करना है। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड है, पहले से ही अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे देखिए एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी पिन है, इसको फिल करके साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका जितना प्रोसेस होके रहेगा, कंप्लीट करके रखे होंगे, उसमें डायरेक्टली आप चले जाएंगे। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं शुरू से दिखाऊंगा, शुरू से जानकारी दूंगा
तो सबसे पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप आने के बाद ऊपर से नीचे तक एक एक चीज देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एकदम से विस्तार से डिटेल्स में जो है ना आपको समझाया गया है कि कैसे फिलअप करना। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सारी चीजें डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद पेमेंट आपको जो है ना करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो अगर आपको इस बुलेटिन का इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, प्लीज रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीचेट दिसंबर 2022 केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि यहाँ पे जो भी चीजें आप लिखा हुआ है ना, जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 करके, ये सारी चीज आप पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सबसे पहले वाले में कि पहले आप इस चीज को पढ़ लीजिए सही से, पढ़ने के बाद केयरफुली सारी चीजें जान लीजिए, सारी चीजें आप जो है ना मालूम कर लीजिए, हासिल कर लीजिए, मालूमात हासिल कर लीजिए, उसके बाद ही जो है ना आगे का प्रोसेस आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कीजिए। क्योंकि केयरफुली जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ही जाके आप सही से जो है ना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका दूसरे नंबर में देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आपसे जो है ना, जो वेबसाइट है जो कि मैंने आपको दिखाया बताया, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप टाइप करेंगे citet.nic.in, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको टाइप करेंगे आप आ जाएंगे इस तरह से। उसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायरमेंट टू सेंड हार्ड कॉपी, यानी आपसे बोला जा रहा है 3 नंबर में कि आपको किसी भी तरह का कोई भी हार्ड कॉपी जो है ना आपको पोस्ट नहीं करना है। जैसे पहले होता था ना कि आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, अप्लाई क्या बोलते हैं, फॉर्म निकालने के बाद, प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म भरिए, उसके बाद फिर उसको पोस्ट द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा जो है ना भेजिए डाकिया द्वारा। तो इस तरह से अब नहीं है, आप ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे ना, बस ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, हो गया काम, खलास काम खत्म। ऑनलाइन अभी जो हम आपको दिखाएंगे सक्सेसफुली एकदम से अप्लाई हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी हार्ड कॉपी, कोई किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म आपको जो है ना भेजना नहीं पड़ेगा पोस्ट द्वारा। इस तरह यहाँ पे 4 नंबर में देखिए एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस में देखिए कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल, ओबीसी, एनसीएल, अगर आप कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के, ओबीसी, एनसीएल के हैं अगर आप, तो अगर आप जो है ना दोस्तों एक पेपर का, चाहे आप 1 से लेके 5 तक भरें या फिर 6 से लेके 8 तक का भरें, यानी पहला पेपर भरें या दूसरे पेपर का भरें, तो अगर आप एक पेपर भरते हैं तो आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों पेपर भरते हैं, एक और दो, दोनों पेपर अगर आप भरते हैं, दोनों पेपर के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों पेपर का अगर आप अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपको 1,200 रुपया पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी से हैं। और अगर आप एससी, एसटी और इस तरह से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, तो दोस्तों आपको अगर आप एक पेपर भरते हैं, यानी कि सुन लीजिए सही से सुनिए आप, अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से हैं और इस तरह से दोस्तों डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, और तो आपको जो है ना दोस्तों एक पेपर के लिए अगर भरेंगे, चाहे आपको फर्स्ट पेपर के लिए भरें या सेकंड पेपर के लिए भरें, 500 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप दोनों पेपर के लिए भरते हैं दोस्तों, तो आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सारी चीज़ें, अब यहाँ पे देखिए पेमेंट कैसे करना है आपको, तो पेमेंट आपको करना है डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप, यानी 4 एकदम से मामूली स्टेप में आपको ये फॉर्म फिल करना है। जो 4 स्टेप है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझा रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाएगा, तो रजिस्टर होते ही आपको आपका फॉर्म फिलअप करना है। तो रजिस्टर होते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन जो नंबर मिलेगा उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और इस तरह से सिक्योरिटी पिन जो रहेगा उसको एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई करना है, आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए सारी चीजें एक एक करके कि आप जो उस फोटो और इस तरह से सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे तो जेपीजी फाइल में आपको अपलोड करना है। और इस तरह से आपको बताते चलें, जो फोटो अपलोड करेंगे दोस्तों, तो फोटो का जो साइज़ है ना वो 10 KB से लेके 100 KB के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। इस तरह से जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो वो सिग्नेचर आपका 3 KB से लेके 35 KB तक के अंदर होना चाहिए। और इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 3.5 cm, यानी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें डायरेक्शन दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ पढ़ सकते हैं कि फोटो आपका जो है ना कितना विड्थ में और कितना हाइट में होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई में कितना फोटो होना चाहिए। आपको बता दूँ एकदम शॉर्ट में कि फोटो आपका दोस्तों एकदम से पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बस इतना आप जान लीजिए।
कैसे आप उस फोटो का सेटअप करेंगे, अगर आपके मोबाइल में आपने बड़ा फोटो क्लिक करके रखा है, फोटो खींच कर रखा है, तो उसको कैसे सेटअप करेंगे वो भी आपको आगे जो है ना पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे, स्टेप बाय एग्जामिनेशन फी बाय डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर पे एग्जामिनेशन फी बाय इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि डेबिट कार्ड या फिर यानी आपके पास जो भी एटीएम कार्ड है ना, एटीएम कार्ड के थ्रू, चाहे आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, कोई सा भी कार्ड है, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद, पढ़ने के बाद, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए आपसे यहाँ पे एक चीज है टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड एंड अंडरस्टूड, यानी आप यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मैंने सारी चीजें डाउनलोड कर लिया, जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है वो भी डाउनलोड कर लिया, मैंने पढ़ भी लिया सही से जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दुआ है, तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये जो नीचे देख रहे हैं आप, क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। एक एक करके आपको मैं फिल करके दिखाता हूँ, सही से समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, यानी जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो आप मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करके दे सकता हूँ। कितना पेमेंट होता है, कितना पेमेंट लगता है आपको मालूम ही है, नहीं मालूम है तो आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक्स्ट्रा आपको 200 रुपया आपको मुझे पे करना पड़ेगा। तो देखिए जिसका भी फॉर्म भरेंगे उसका उस कैंडिडेट्स का नाम आप यहाँ पे भर देंगे। कैंडिडेट्स नेम में सबसे पहला वाला बॉक्स में कैंडिडेट्स नेम जो है, आपको एक बार बता दूं, जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे भरेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए। आपका जो भी कागज़ है ना वो कागजात के हिसाब से ही आप यहाँ पे भरेंगे, चाहे आपके कागजात में सही स्पेलिंग रहे या गलत स्पेलिंग रहे, सही नाम लिखा हो या गलत नाम लिखा हो, जैसे है वैसा ही आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो कैंडिडेट्स नेम में मैंने कैंडिडेट्स नेम फिल कर दिया। उसके बाद फादर्स नेम में दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स का फादर है, पिताजी है, बाप है, उसका नाम, उनका नाम, कैंडिडेट्स के पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए मदर्स नेम है, तो मदर्स नेम में भी कैंडिडेट्स का, यानी जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका फॉर्म भर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके माता का नाम आप मदर्स नेम तीसरे वाले बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में, चौथा वाला बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ है, यानी जन्म तिथि तारीख पैदाइश कितना है, डेट मंथ और ईयर, टोटल चीज़ आप यहाँ पे सही से फिल कर देंगे, भर देंगे। उसके बाद नीचे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन शो होगा जेंडर का, आपका जो कैंडिडेट्स है वो किस जेंडर से, यानी जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं आप, अगर मैं भर रहा हूँ या आप खुद भर रहे हैं तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं आप वो यहाँ पे फिल कर लेंगे, भर लेंगे सही से। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें एक एक करके भर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोस्तों यहाँ पे मैं जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, जैसे डेट मैंने चूज़ कर लिया 5, उसके बाद मंथ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मंथ, उसके बाद ईयर जो है वो भी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ 1991, उसके बाद दोस्तों 1990 सॉरी, उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो फीमेल का फॉर्म है ये, फीमेल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप जो है, आइडेंटिटी टाइप दोस्तों, तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड का टाइपिंग है ना, यानी कौन सा आईडी कार्ड आप देना चाहते हैं, वोटर कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ देना चाहते हैं, या फिर राशन कार्ड विद फोटोग्राफ देना चाहते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो दोस्तों अगर आप ये सब आपके पास कार्ड है, आपके पास इस तरह का आईडी है, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड है, तो दोस्तों आप चूज कर सकते हैं, आप इसमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते नहीं हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन क्या मिलेगा, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, तो दोस्तों उस वाले को चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो भी जिस भी आईडी को आप आईडी कार्ड जो भी आपके पास, जैसे कि मैं यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है, आधार संख्या है, आधार नंबर, वो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, फिल कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी क्या करें, इस तरह से चूज़ कर लेंगे, अगर आपके पास वोटर कार्ड इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट है जो भी आपने देखा नहीं है, अगर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड से आप अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इस तरह से एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी और विद फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पे आप अपना आधार कार्ड, आधार नंबर यहां पे टाइप कर देंगे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में आपको दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे जगह में आप हैं और आप अपना स्टेट में नहीं हैं और आप दूसरे स्टेट में रह के आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आप वहीं से उसी जगह में उसी स्टेट में जहां पे आप हैं फिलहाल वहीं पे अगर आप अपना सीटेट सेंटर लेना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ले भी सकते हैं। और इस तरह से आपको बताते चलें वहां का एड्रेस भी आप यहां पे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों मैं यहां पे बैंगलोर में हूं, मैं बिहार का हूं, बैंगलोर में हूं, बैंगलोर में ये कैंडिडेट है, तो बैंगलोर का जो एड्रेस है, जिस जगह में प्रेजेंट एड्रेस है, उस एड्रेस को मैं यहां पे फिल कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस में यहां पे देखिए मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, फिर भी मैं यहां पे सब लोकेलिटी फिल कर दे रहा हूं, यहां पे फातिमा लेआउट, उसके बाद यहां पे भारत नगर, उसके बाद दोस्तों जो भी मेरा एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस भारत नगर तनिष्चंद्रा बैंगलोर, तो यहां पे लोकेलिटी जो दूसरा है उसमें मैं तनिष्चंद्रा यहां पे टाइप कर दे रहा हूं। उसके बाद दोस्तों कंट्री आपका आएगा, तो कंट्री में आप क्या करेंगे, आप अपना
इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री आपका जो है ना इंडिया ही दिखेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यानी आप जिस भी जगह में हैं, जिस भी स्टेट में हैं, अपना स्टेट छोड़ के और वहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को, उस जिले को, उस जिला को आप यहाँ पे देख लेंगे सही से। उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे। हाँ, स्टेट मैंने यहाँ पे लेके आ गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी इस तरह से लेके आ जाएंगे। और जिस जगह में आप हैं, जिस स्टेट में, जिस स्टेट के जिस जिला में आप हैं, उस जिला को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, चूज करने के बाद, वहाँ का जो पिन कोड है, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका जो पिन कोड है उस एरिया का, पोस्टल कोड, वो पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे इस पिन कोड वाले बॉक्स में। पिन कोड वाले बॉक्स में आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं पहले जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना ये आज डिस्ट्रिक्ट और जिला सेलेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस स्टेट का, जिस स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ का पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला शो होगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे चूज कर लिया, बैंगलोर एक रूरल है, एक बैंगलोर अर्बन है, तो बैंगलोर अर्बन में मैं रहता हूँ, बैंगलोर अर्बन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे जिस एरिया में आप रहते हैं उसका पिन कोड। उसके बाद दोस्तों आप अपना जो भी ईमेल एड्रेस आपका है, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेंगे, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। दोस्तों जो ईमेल एड्रेस आप ऊपर भरेंगे वही ईमेल एड्रेस सेम टू सेम नीचे वाले कन्फर्म ईमेल एड्रेस वाले बॉक्स में, नीचे वाला जो बॉक्स है उसके अंदर भी वही ईमेल एड्रेस आप यहां पे फिल करेंगे। तो दोस्तों यहां पे आप एक एक चीज देखते जाइए सही से, मैं क्या इसे कैसे आपको जो है ना भर के दिखा रहा हूं और सही से सिखा रहा हूं। मैं आपको सिखाने की कोशिश करो, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सही से देखिए। जिनको खास करके आता नहीं है उनके पास मेरा ये वीडियो भेज दीजिए, वो उनको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ईमेल एड्रेस वाले बॉक्स में मैंने ईमेल एड्रेस फिल कर दिया, भर दिया। उसके बाद कन्फर्म ईमेल एड्रेस वाले जो बॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ईमेल एड्रेस, जो ईमेल आईडी आपने ऊपर फिल किया, ऊपर भरा, वही ईमेल एड्रेस सेम टू सेम वही आप कन्फर्म ईमेल एड्रेस वाले बॉक्स में जहाँ पे आप अभी भर रहे हैं उस वाले बॉक्स में भी सेम टू सेम भर देंगे। एकदम से वही एक ही ईमेल एड्रेस दोनों बॉक्स में फिल करेंगे, ईमेल आईडी एक ही जो है ना दोनों बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर भी सेम प्रोसेस है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों, मोबाइल नंबर जो भी आप फिल करेंगे या फिर ईमेल एड्रेस जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे भरेंगे दोस्तों, वो आपका ईमेल आईडी आपका चालू होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी एड्रेस का, ईमेल आईडी का भी वेरीफाई होगा और मोबाइल नंबर का भी वेरीफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड जाएगा। तो देखिए ऊपर वाले बॉक्स में जो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे भरेंगे, वही मोबाइल नंबर दोस्तों आप नीचे वाले बॉक्स में भी फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए, इस तरह से करने के बाद लैंडलाइन नंबर जो है उसको छोड़ देंगे उस वाले ऑप्शन के, ऑप्शन को आप यहां पे देखिए, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोस्तों सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका, यानी आपका अगर परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से, तो ये जो सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस के सामने जो बॉक्स है ना उसको टिक कर देंगे, तो ये जो है ना नीचे वाला परमानेंट एड्रेस का जो ऑप्शन है ये आपको फिल करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बाहर में है, किसी दूसरी जगह में है, तो वहां क्या आपने प्रेजेंट एड्रेस ऐड लिया, अब परमानेंट एड्रेस यानी जहां का, जहां आपका घर है, जिस स्टेट से है, जिस जिला से है, वहां का एड्रेस आप यहां पे परमानेंट एड्रेस में टाइप करेंगे, फिल करेंगे। तो परमानेंट एड्रेस में जैसे कि देख सकते हैं, विलेज मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद पोस्ट भी मैंने यहां पे फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, फिर भी यहां पे मैंने टाइप कर दिया, फिल कर दिया। उसके बाद लोकेलिटी में जो भी आपका लोकेशन है, लैंडमार्क है, अपना एरिया का जो भी पंचायत वगैरह है, लोकेलिटी जो भी है, आप लोकेलिटी वाले बॉक्स में फिल कर देंगे। सही से आप एक एक चीज देख लें, सही से फिल कर देंगे। तो लोकेलिटी में मैं यहां पे टाइप कर देता हूं बिलवा बाजार। उसके बाद दोस्तों कंट्री, जैसे कि ऊपर वाला बॉक्स में आपने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस जो जैसे आपने फिल किया, सेम प्रोसेस है, उसी तरह से यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में भी आपको फिल करना, भरना है। उसके बाद दोस्तों कंट्री आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया बिहार से है, बिहार से हूँ, तो बिहार मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट से है, डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे, चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका पिन कोड है, आपका होम एड्रेस का, परमानेंट एड्रेस का जो भी पिन कोड है, पोस्टल कोड है, वो पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, भर देंगे। और पिन कोड एंटर करने के बाद, टाइप करने के बाद, ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना लेना है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों, तो पासवर्ड आपको टाइप करना है 8 से लेके 13 करेक्टर के बीच में ही होना चाहिए, 13 से ज़्यादा होना ही होना चाहिए और 8 से कम नहीं होना चाहिए। और जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे उसमें नंबर, सिंबल्स और अपर केस, लोअर केस, सारा चीज़ आपको जो है ना मिला के यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो दोस्तों जैसे कि जो मैंने पासवर्ड बनाया, उस पासवर्ड में मैंने फर्स्ट वाला जो है ना बड़ा दे दिया, बड़ा अक्षर दे दिया, कैपिटल लेटर दे दिया। उसके बाद जो नाम है ना उसी नाम को मैंने पासवर्ड बना डाला और उसके बाद वाला जो लेटर है वो लेटर मैंने स्मॉल लेटर में एंटर किया, छोटा अक्षर में यहाँ पे पासवर्ड के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। उसके बाद नंबर भी मैंने टाइप कर दिया कुछ, उसके बाद सिंबल्स भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कुछ। तो यहाँ इस तरह से आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेंगे, पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। जो पासवर्ड आप ऊपर टाइप करेंगे वही पासवर्ड सेम टू सेम आप नीचे वाले बॉक्स में, कन्फर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी आप वही पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे, भरेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के नीचे वाला जो बॉक्स है ना, क्वेश्चन
सेलेक्ट सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन के हिसाब से आएगा, जैसे विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेवर्स पेट नेम, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके शो हो रहा है, एक एक चीज़ दिख रहा है। तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आप सेलेक्ट करना चाहें, चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, चाहे आप विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, यानी कि अभी जो है ना हाल ही में आप कौन सा वेबसाइट विजिट किए हैं। तो मैं यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है ना, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तो व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो और जो भी मेरा फेवरेट बुक है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सिक्योरिटी एंसवर में, सिक्योरिटी एंसवर में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। दोस्तों सिक्योरिटी एंसवर में जो मेरा फेवरेट बुक है या कैंडिडेट का जो फेवरेट बुक है वो यहाँ पे आप टाइप, अगर आप किसी का दूसरे का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल देंगे। मान के चलिए जैसे आप फर्स्ट नेम जो आपने देखा जो क्वेश्चन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसी का नाम एंटर कर देंगे, टाइप कर देंगे, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर भी मुझे मालूम है तो मैंने यहाँ पे जो है ना चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो सिक्योरिटी एंसवर एंटर कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो सिक्योरिटी पिन है ना नीचे, सिक्योरिटी पिन को जो है दोस्तों एंटर सिक्योरिटी पिन जो बॉक्स है उसके ऊपर उसके अंदर में फिल कर देंगे, उसके अंदर में यहां पे टाइप कर देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों यहां पे फिल करके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी जो पिन है वो कितना है 79281 क्यू, क्यू जो है दोस्तों वो बड़ा अक्षर में है, कैपिटल लेटर में है। तो आप जो है ना जो भी लेटर रहेगा कैपिटल में रहेगा तो कैपिटल में एंटर करेंगे, स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में एंटर करेंगे, टाइप करेंगे। तो जिस भी तरह से रहेगा यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, वो सिक्योरिटी पिन सेम टू सेम उसी तरह से जो है ना एंटर सिक्योरिटी पिन वाला जो बॉक्स है उसमें आप टाइप करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप फिल करने के बाद दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके एंटर करने के बाद, एक एक चीज़ यहाँ पे सही से भरने के बाद दोस्तों, सबमिट का जो बटन है, सबमिट का जो ऑप्शन है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, सबमिट के ऊपर टैप कर देंगे। सबमिट के ऊपर जैसे ही टैप करेंगे, सबमिट के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बाकी रहेगा वो क्या है आगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको जैसे कि मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, अब यहां पे देखिए एग्जामिनेशन सर्विस डॉट इस तरह से जो है ना शो हो रहा था। देखिए यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग हो गया, पासवर्ड ज़्यादा हो गया, तो पासवर्ड यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 से लेकर 13 के अंदर अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया था शायद, जिसकी वजह से यहाँ पे रॉन्ग बता रहा। तो पासवर्ड यहाँ पे मैं सही से फिल कर दे रहा हूँ, 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर के अंदर अंदर। उसके बाद दोस्तों फिर से मैं आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। जस्ट उसके बाद फ्रेंड्स सही से एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पिन कोड डिड नॉट मैच। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना दोबारा से इस तरह से ये हो गया, तो सिक्योरिटी पिन जो है वो एकदम से बदल चुका है, चेंज हो चुका है शायद, इसलिए यहाँ पे जो है ना रॉन्ग बता रहा है। तो मैं जो है ना सही से टाइप करके आपको फिर से सिक्योरिटी पिन दिखा देता हूँ, उसके बाद सबमिट करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोबारा से सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पे देख लेता हूँ, जो आया हुआ है, जो बदल चुका है वहाँ पे टाइप कर देता हूँ। दोस्तों सिक्योरिटी पिन अगर गलत बोले, सही मैच ना हो, तो दोस्तों उसके सामने जो क्या बोलते हैं रोटेट का जो ऑप्शन है ना सिक्योरिटी पिन की जगह में, रोटेट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आप टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका जो है ना सिक्योरिटी पिन जो है वो न्यू से आ जाएगा सिरे से। उसके सिक्योरिटी पिन सही से एंटर करके आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल्ली, यानी आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है ना एक बार देख लीजिए, सही से रिव्यू कर लीजिए जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो एकदम से ध्यान से, ध्यानपूर्वक तवज्जो से। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जो लिखा है ना सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करिए। तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ दोस्तों। सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए एक गूगल का कुछ शो हो रहा है, गूगल का कुछ दिख रहा है, या ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे मुसीबत में झेला। तो दोस्तों ये चीज़ इस तरह से आप सही से कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो सबमिट एंड ओटीपी का जो ऑप्शन है इसके ऊपर मुझे, मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये सिलेक्ट हो जा रहा है, और गूगल का कुछ यहाँ पे कुछ शो हो रहा नीचे, देख सकते हैं आप, देखेंगे देख पाएंगे। इस तरह से अगर आपका भी शो हो, आपका भी दिखाई दे, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे टाइम लगा, तो मैं कट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही फ़ोन को रोटेट कर रहा हूँ, तो फ़ोन को रोटेट करने के बाद यहाँ पे देखिए जस्ट फोन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, फ़ोन को रोटेट करते ही यहाँ पे जो है ना शो हो रहा है दाएँ साइड में क्लोज का करके कुछ यहाँ पे शो हो रहा है क्लोज करके। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, जैसे क्लोज कर रहा हूं तो ये जो है ना सबमिट हो चुका है ऑटोमेटिकली। सबमिट यहां पे जैसे ही आप क्लिक करें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल में रोटेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं जो क्लोज का ऑप्शन था, क्लोज मैंने देखा, उस क्लोज को ऊपर मैंने क्लिक करा, क्लोज के ऊपर क्लिक करते ही हुई ये इस तरह से जो है ना सही हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैंने मोबाइल को यहाँ पे सही कर लिया, खड़ा करके पकड़ लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज़ आप यहाँ पे देखा, मैं आपको दिखाता हूँ सही से एक एक करके, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एक चीज़ जो मैंने आपको फिलअप करके दिखाया, रजिस्ट्रेशन करके दिखाया दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है, न्यू रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड,
पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो चेक बॉक्स देख रहे हैं आप, एक एक करके चेक बॉक्स कर लेंगे, इसको मार्किंग कर लेंगे, सारी चीज़ें मार्किंग कर लेंगे। उसके नीचे जो आई एग्री का बटन देख रहे हैं आप, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी चीज़ कर लेता हूँ सही से एक एक करके। जैसे माय नेम के ऊपर मैंने टैप कर दिया, उसको चेक बॉक्स कर लिया, चेक कर लिया। यहाँ पे जैसे मैंने फ़ोन को रोटेट कर लिया, फिर से सही से आपको दिखाई दे, सही से आपको समझ में आए इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लेंगे सही से, जो मैंने फिलअप किया, जो मैंने दिखाया आपको। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नीचे देखिए पर्टिकुलर चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, देख सकते हैं आप, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नो चेंज विल बी परमिटेड वंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड और एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ हैं, आपने जो भी फिलअप किया, आपका नाम, फादर का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है ना आप सही भरें, सही है, आप ही का है, सही से देख लिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक बॉक्स कर लिए। उसके बाद डिक्लेरेशन जो है ना, आई हेयर बाय, ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, इसको आई एग्री के ऊपर चेक बॉक्स कर लिया आपने, आई एग्री का जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर भी क्लिक कर दिया। सारी चीज़ों को चेक बॉक्स करने के लिए, सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट एंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से क्या कर लिया, मोबाइल को खड़ा पकड़ लिया इस तरह से आपको दिखाने के लिए। उसके बाद सबमिट एंड ओटीपी जो ऑप्शन है नीचे, लिखिए एक ऑप्शन है एडिट रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो उस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो सबमिट एंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो दोस्तों एस के ऊपर क्लिक कर देंगे। एस के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे, एस के ऊपर जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है ना फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि आपके जो, आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया और आपने जो ईमेल आईडी एंटर किया, जिस ईमेल आईडी से, जिस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जो है ना सही से ध्यानपूर्वक देख लेना है और फिर आपको जो है ना आपका ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कर लेना है, आपको आपके मोबाइल नंबर का वेरीफाई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना घूम रहा है, यहाँ पे सबमिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आप, रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट। देखिए नीचे देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नीचे देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये देखिए एक एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल चुका है, एप्लीकेशन जो भी आपका नंबर है, एप्लीकेशन नंबर वो भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। जब आप, अब आपको करना है क्या, लॉगिन करना है, आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया उस ओटीपी को यहाँ पे देख लेना है, आपको आपके मोबाइल नंबर का वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों मैं, मेरा नंबर पर जो ओटीपी आया उस ओटीपी को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। उस ओटीपी को यहाँ पे मैं देख लेने के बाद जो है ना ओटीपी वाले बॉक्स में फिल करके अपने नंबर का वेरीफाई कर लेता हूँ, अपने नंबर का वेरीफिकेशन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार है उसमें मैंने देख लिया, अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ओटीपी को मैं यहां पे जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है ना, मोबाइल नंबर के नीचे जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में मैं जो है ना ओटीपी को एंटर कर दे रहा हूं, यहां पे फिल कर दे रहा हूं उस ओटीपी को। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद, यहां पे फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट रजिस्ट्रेशन, नीचे देखिए सबमिट रजिस्ट्रेशन का बटन है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है, सबमिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, टैप कर दिया, मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर जो है ना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अगला स्टेप यानी कि ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन करने के लिए, ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए दोस्तों ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है, ईमेल आईडी का जो बॉक्सेस है उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर टैप करना है। तो दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा, वन टाइम पासवर्ड चला जाएगा, उस ओटीपी को जो है ना देख लेना है। देखने के बाद सही से जो है ना दोस्तों आपको आपके ईमेल आईडी का भी वेरिफिकेशन कर लेना है। तो फ्रेंड्स वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पिन आपको एंटर कर लेना है, जो भी सिक्योरिटी पिन नीचे शो रहा है 2N6BB69, ये सिक्योरिटी पिन आपको जो है ना सिक्योरिटी पिन वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। सबमिट के ऊपर जैसे ही टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे जो है ना ओटीपी चला जाएगा, देख सकते हैं एग्जामिनेशन सर्विसेज डॉट एनआईसी डॉट इन सेज। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है आपका ईमेल आईडी जो है उस ईमेल आईडी के अंदर चला जाना है। मैं आपको जीमेल खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैंने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, जीमेल ऐप को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ओटीपी आया मेरे ईमेल एड्रेस में, मेरे ईमेल आईडी में, उस ईमेल एड्रेस में यहाँ पे देख लेता हूँ मैं जो ओटीपी आया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सही से देख लेंगे, मैंने देख लिया। देखने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, देखिए एंटर ऑन टाइम पासवर्ड ओटीपी। तो यहाँ पे जो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी गया उस ओटीपी को यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे, सही से भर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए वेरीफाई का बटन है, वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ईमेल आईडी का भी वेरीफिकेशन हो जाएगा, ईमेल आईडी का वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए क्लिक हेयर टू गो टू होम लिखा क्या, क्लिक हेयर टू गो होम, तो दोस्तों क्लिक हेयर टू गो होम के ऊपर प्रेस कर देंगे, क्लिक हेयर टू गो होम के ऊपर टैप कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आपके सामने जो है ना नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ में देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ पे नीचे भी देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट करना है। तो ये यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर भी शो हो रहा है, तो यही एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करके आपको कभी भी मान के चलिए यहाँ पे एक चीज़ जो है ना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आगे का पेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिएगा तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करके छोड़ने के बाद जब आप फिर से दोबारा से आप प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने जो आपने देखा ना न्यू रजिस्ट्रेशन और जो है ना साइन इन करने का, तो वहाँ पर जो है आपने देखा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड इस तरह से सिक्योरिटी पिन, तो वहाँ पर आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर आपको मिला यही एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना, जो पासवर्ड आप बनाएंगे रजिस्ट्रेशन करते समय। उसके बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करके साइन इन कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस जहाँ तक आपका कंप्लीट होकर रहेगा वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स में दोस्तों जो यहाँ पे देखिए क्या लिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फिल करना है क्या, पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अप्लाई फॉर, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसके बाद ये सारी चीज़ एक एक करके आपको जो है ना एक एक करके कंप्लीट करना है। तो नीचे देखिए पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट वो कंप्लीटेड लिखा है। तो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे जो आपने देखा पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जैसे ही फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए एक एक बॉक्स आपको यहाँ पे सामने होगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों सबसे पहले जेंडर, उसके बाद जो है दोस्तों फादर्स नेम, जनरल कैटेगरी, नेशनलिटी, उसके बाद जो है ना पर्सन विद सिक्योरिटी पीडब्ल्यूडी, उसके नो है नो मैंने यहां पे एंटर कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है, तो अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हैं कोई भी काम नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉयड आप यहां पर चेकबॉक्स करेंगे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टीचर काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड एज ए टीचर बीच वाला बॉक्स चूज करेंगे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अदर देन टीचर हैं किसी दूसरी जगह में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे एम्प्लॉयड देन अदर देन टीचर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे लास्ट वाला। उसके बाद नीचे देखिए सिक्योरिटी पिन है ना, सिक्योरिटी पिन के वाले बॉक्स में जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिख रहा है आपको, सिक्योरिटी पिन आप यहां पे एक एक करके फिल कर देंगे भर देंगे जो नीचे सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है, जैसे कि यहां पे देखिए CT1179। तो दोस्तों मैं सिक्योरिटी पिन जो है यहां पे फिल कर दे रहा हूं भर दे रहा हूं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, नीचे देख सकते हैं आप सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आर यू सी और यू वांट टू ऑप्शन शो होगा, आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इस वाले पेज में आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुका है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर के ऊपर आप आ जाएंगे, अप्लाई फॉर में आने के बाद तीन ऑप्शन है, पेपर 1, पेपर 2 और बोथ। तो दोस्तों मैं बोथ को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैं एग्जामिनेशन दूंगा और दोनों के लिए यहां पे एग्जाम जो है ना दिया जाएगा, इसलिए बोथ जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पे फर्स्ट लैंग्वेज मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद लैंग्वेज 2 में हिंदी सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लास 1 टू 5, तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे एक नंबर जो है ना एक नंबर उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सेकेंडरी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं एक एक करके, देखिए 1 2 3 4 5 6 वगैरह करके। तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप जो है ना पेपर 1 के लिए 1 टू 5 के लिए आप जो है ना एक नंबर चूज करेंगे, एक नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे, एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक नंबर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों तो आपको यहां पे एक नंबर में जो चीजें हैं वो आप यहां पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे उसके बाद फ्रेंड्स पेपर 2 के लिए जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम से कम जो आप पढ़ाई है आपकी पढ़ाई है और 6 से लेके 8 तक का जो पेपर आप देंगे उसके लिए आप जो है ना यहाँ पे उसके बॉक्स नीचे बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे 4 नंबर सेलेक्ट कर लिया और मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन है मैं आपको जो है ना घुमा के दिखाता हूँ, ये अभी खड़ा पकड़ा हूँ मैं आपको, ये जो फ़ोन है रोटेट करके दिखाता हूँ फिर आपको सही से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने मोबाइल को रोटेट कर लिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर में मैंने बोथ यानी पेपर 1 पेपर 2 सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज 1 में 2 उर्दू, लैंग्वेज 2 में हिंदी। और यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 क्लास 1 टू 5 यानी 1 से लेकर 5 का जो आप एग्जामिनेशन देंगे सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उसमें आप क्या फिल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप उस बॉक्स के सामने का जो बॉक्स है या नीचे जो बॉक्स रहेगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सामने कुछ चीज़ें शो होगा देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं 5 नंबर सेलेक्ट यहाँ पे पहले किया था लेकिन बाद में मैं जो है ना
एक नंबर सेलेक्ट कर लिया था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेकेंड, चार नंबर में सीनियर सेकेंडरी, और इट्स इक्वलमेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशनल एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको चार नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, मैं यहाँ पे चार नंबर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे नीचे देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 क्लास 6 to 8, तो जो नीचे वाला ऑप्शन है 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के लिए जो आप यहाँ पे चूज करेंगे उसके लिए क्या चूज करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप सही से उसके ऊपर जो क्लिक करेंगे, आठ नंबर जो अभी जो है ना चूजन है, अभी सिलेक्टेड है आठ नंबर जो है ना मैंने सेलेक्ट किया, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी तरह से बहुत सारी चीजें शो होगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नॉन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक नंबर यहाँ पे चूज करूंगा, एक नंबर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो दोस्तों आप क्या करेंगे एक नंबर चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज दूसरी सूरत में, दूसरे कंडीशन में आप अगर जो है ना क्या बोलते हैं उसे, आप अगर आप इससे ऊपर पढ़े हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस तरह से बीएड किए हुए हैं, आप डीएलएड नहीं किए हुए हैं, बीएड वगैरह किए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सारा ऑप्शंस है, आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे सही से, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करने आता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्म अप्लाई करके दे सकता हूँ सही से, एकदम से बेहतर ढंग से। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चूज कर लिया, उसके बाद नीचे देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू के सामने जो सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट का जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने सोशल साइंस एंड कुछ मैथमेटिक्स दो ऑप्शन शो होगा, दो और सब्जेक्ट आपके सामने दिखाई देगा। तो उसमें जो है ना मैंने सोशल साइंस यहां पे चूज कर लिया। अब यहां पे देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है, डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेड विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसको मैंने टिक कर दिया। और नीचे जो एक ऑप्शन और है उसको भी मैंने टिक कर दिया, उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है ना दोनों पेपर के लिए, दोनों पेपर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए डिग्री इन एजुकेशन नीचे वाला जो है ना, डिग्री इन एजुकेशन, अब यहाँ पे देखिए जैसे सब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने आपको, तो यहाँ पे मैं सोशल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, सोशल साइंस यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। दो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एंड साइंस और दूसरा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, सोशल साइंस मैं यहां पे चूज कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद, अप्लाइंग फॉर्म में ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल करने के बाद ऊपर से नीचे तक देख लेंगे सही से एक एक करके। जैसे अप्लाइंग फॉर्म में बहुत यानी पेपर वन पेपर टू मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर आप पेपर वन का देना चाहते हैं तो पेपर वन सेलेक्ट कर लेंगे, पेपर टू का अगर आप पेपर टू के लिए अप्लाई करना चाहते तो पेपर टू सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज वन सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज टू यानी कि कौन सा भाषा कौन सी जबान में आप जो है ना आपका जो भाषा है वो नंबर वन में कौन है और दूसरा भाषा कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 में के लिए जो है ना फोन नंबर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 के लिए मैंने एक नंबर यहां पे चूज कर लिया। और यहां पे देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर यू फॉर पेपर टू, तो यहां पे सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर टू के लिए मैंने सोशल साइंस यहां पे सेलेक्ट कर लिया। यहां पे क्वालिफाइंग एग्जाम में दो ऑप्शन है, डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन और दूसरा है डिग्री इन एजुकेशन। तो दोस्तों दोनों को मैंने चेकबॉक्स कर लिया, दोनों में जो टिक कर दिया दोनों को भी। उसके बाद नीचे आपके सामने जो है ना यहां पे देखिए फिर से वही चीज सोशल साइंस, नीचे देखिए सिक्योरिटी पिन है, हर पेज में आपको सिक्योरिटी पिन मिलेगा। तो यहाँ पे आप सही से सारी चीज फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन यहाँ पे शो हो रहा है 3HH जो है दोस्तों बड़ा अक्षर में है, कैपिटल लेटर में है, तो कैपिटल लेटर में एंटर करेंगे भरेंगे। उसके बाद 6379 ये सारे यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन है सेम टू सेम आप फिल कर देंगे, भर देंगे। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो दोस्तों एस के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जो आपके सामने एस नो था एस के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पे सबमिशन हो जाएगा, अगले वाले पेज में आप यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शंस अप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स का, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और यहाँ पे अप्लाई फॉर, तीन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जो चौथा जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल करना है, यानी कि आपने जो क्वालिफिकेशन कर रखा है, आप जितना पढ़ाई किए हुए हैं, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेबल विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास, स्टेटस में पास्ड टाइप करेंगे। उसके बाद जो पास्ड ईयर है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, जिस भी साल में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने डिप्लोमा जब कंप्लीट किया था जिस साल में जिस ईयर में, वो ईयर यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले दो पेपर दे रहे हैं आप, दो पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला वाला पेपर के लिए पहले यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग, पास स्टेटस में पास्ड आप चूज कर लेंगे सबसे पहला वाला बॉक्स में।
पासिंग ईयर में आप यहाँ पे जो भी जिस भी साल में पास किए हुए हैं उस वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम, कोर्स स्ट्रीम नेम के बॉक्स में क्लिक करेंगे तो एक ही चीज़ यहाँ पे शो होगा, एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन 4, तो वही चीज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना डिप्लोमा किए हुए हैं या जो भी क्वालिफिकेशन आपने एंटर किया, आपने जो भी क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, जिस भी क्वालिफिकेशन से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन वो एजुकेशन जिस बोर्ड से जिस यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी है पूरा ऑल इंडिया, जो सीटेट का जो भी है ना सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जितना भी कॉलेज है, स्कूल्स है या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे आपके सामने शो होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। दोस्तों यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे सही से, उसके बाद जो है ना एक एक करके देखने के बाद आप अपना कॉलेज यहाँ पे चूज कर लेंगे। दोस्तों मैं जो है ना ओपनली किया था, ये जो कैंडिडेट का जिस कैंडिडेट का मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ये कैंडिडेट ओपन किया था, ओपनली डिप्लोमा किया था, तो ओपन में अगर आप करके रहे होंगे किए होंगे तो दोस्तों, या फिर आपका अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं आया होगा, यूनिवर्सिटी अगर आपका यहाँ पे नहीं दिखाने को मिलेगा तो सबसे नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे जाने के बाद अदर का ऑप्शन मिलेगा आपको सबसे लास्ट में, बहुत ज्यादा जो है ना स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको, ऊपर से नीचे आ जाना है एक एक करके। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको जो है ना अदर का ऑप्शन मिलेगा, अदर में दोस्तों आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अदर केस में, जैसे आप अदर सेलेक्ट करेंगे, अदर चूज करेंगे, तो अदर जब आप चूज कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो फिर आपके सामने एक बॉक्स और भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा अदर जब आप चूज करेंगे। तो दूसरा जो बॉक्स आपके सामने शो होगा ना, तो वहां पे उस वाले बॉक्स में आपका यूनिवर्सिटी का नाम, आप या फिर जिस भी कॉलेज जिस भी स्कूल से आप डिप्लोमा या फिर जो भी एजुकेशन आप किए हुए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन का जो स्कूल है, उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आप क्या करेंगे, टाइप कर देंगे नीचे उस जगह में, फिल कर देंगे एक एक करके। तो जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने जो है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, ये मेरा ओपन में जो किया था तो यही स्कूल का नाम था, तो यही स्कूल का नाम फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे, आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एक एक करके, आप सही से जो है ना वीडियो में बने रही हैं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में, जैसे ही मैंने अदर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे मुझे इंटर करना है, आपको भी फिल करना है अगर आप अदर चूज करते हैं, अदर सेलेक्ट करते हैं, या फिर अगर आपको आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम नहीं मिल रहा है तो अदर चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैश वदर, यहाँ पे आपको अदर, यहाँ पे आपको आपका जो स्कूल नाम है जहाँ से आप डिप्लोमा किए हुए हैं, जहाँ से आप जो है ना आपकी क्वालिफिकेशन है जिस स्कूल से, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्कूल, अदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग या फिर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया, यहां पे मैंने एंटर कर दिया। अब यहां पे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम इस तरह से आप टाइप कर देंगे, उसके बाद नीचे देखिए रिजल्ट मोड है, रिजल्ट मोड में आपका जो रिजल्ट है वो किस टाइप का है, परसेंटेज है या फिर CGPA का है। तो दोस्तों मेरा जो रिजल्ट है या फिर जो कैंडिडेट है या इसका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज का है, रिजल्ट मोड परसेंटेज के हिसाब से है। उसके बाद नीचे देखिए इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो आपके इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है ना, वो पिन कोड आप इंस्टीट्यूट पिन कोड में देख लेंगे, सॉरी एंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। इंस्टीट्यूट का पिन कोड होता है हर एक स्कूल का, हर एक कॉलेज का, जो भी जिस भी स्कूल में आप पढ़े हैं या कोई भी स्कूल कहीं पे भी है, तो उस एरिया का जो पिन कोड है ना, वही पिन कोड उस स्कूल का भी पिन कोड होता है, उस कॉलेज का भी पिन कोड होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट मोड एंटर करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल मार्क्स का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके बाद ऑप्टेंट मार्क्स का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि टोटल मार्क्स जो है आपका, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें टोटल मार्क्स कितना था, तो टोटल मार्क्स जो है 1400 था, 1400, और कितना आप मार्क्स हासिल किए हुए हैं, वो ऑप्टेंट किए हुए हैं, आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया, तो यहाँ पे देखिए 891 मार्क्स यहाँ पे इस कैंडिडेट ने जो है ना प्राप्त किया, ऑप्टेंट किया। उसके बाद दोस्तों जिस तरह से जैसे ही आप टोटल ऑप्टेंट मार्क्स यानी आपका प्राप्त किया हुआ, हासिल किया हुआ मार्क्स आप 891 या जो भी है एंटर करेंगे, और फिर इंस्टीट्यूट पिन कोड में आप आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स का जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट पिन कोड मैंने एंटर कर दिया, इंस्टीट्यूट पिन कोड एंटर करने के बाद नीचे देखिए एक फिर से सिक्योरिटी पिन यहां पे शो हो रहा है, तो इस सिक्योरिटी पिन को आपको फिर से एक एक करके सही से देख लेना है, कैपिटल स्मॉल नंबर जो भी है उस तरह से सेम टू सेम फिल कर देंगे, उसके बाद एक बार जो है ना ऊपर से नीचे तक देख लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है, सही से देख लेंगे, कोई चीज छूटा नहीं है, छूट गया तो सही से फिर से भर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एक्शन, तो यस
अब मैं जो है ना सबमिट करना चाहता हूँ, तो आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका सारा ऑप्शन सारी चीज़ें सही रहेगा तो, अगर कुछ भी रॉन्ग रहेगा तो एरर आ जाएगा और उस एरर में जो है ना लिखा आएगा, मान के चलिए कुछ भी गलत होगा, कुछ भी रॉन्ग होगा तो। लेकिन अगर आपका जो पर्सनल चीज़ है ना, जैसे कितना मार्क्स है, कितना क्या है, तो वो नहीं होगा, वो जो है ना सही जो है ना ठीक नहीं होगा, उसका एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप जो है ना देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक एरर आया मेरे पास कि यहाँ पर दोस्तों इंस्टीट्यूट पिन कोड कैन नॉट स्टार्ट विद जीरो, यानी कि पिन कोड जो है वो जीरो से शुरू नहीं होता है दोस्तों। पिन कोड कभी भी आप देखिएगा जीरो से शुरू नहीं होता, तो यहाँ पे एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो पिन कोड आया मैंने एंटर किया ये रॉन्ग है, जो 048997 ये पिन कोड कहीं का भी नहीं है, और जीरो से कोई भी पिन कोड स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे जो रॉन्ग बता रहा, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, पिन कोड को सही से फिर से फिलअप कर देता हूँ, सही से यहाँ पे भर देता हूँ। मुझे इंस्टीट्यूट का पिन कोड नहीं मालूम है, तो जिस कैंडिडेट का यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ उसको जो है ना यहाँ पे मैं भर दे रहा हूँ सही से। उसके बाद जो है ना आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऊपर में जो क्लोज का ऑप्शन है ना, कट का ऑप्शन देखिए, उस क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट पिन कोड है, इस पिन कोड के बॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद सही से जो भी आपका पिन कोड है, वो सही पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों मैं सही से जो सही पिन कोड है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो थोड़ा सा ऊपर चला गया हूँ मैं, अब यहाँ पे देखिए मैं पिन कोड एंटर कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट पिन कोड मैंने पता किया फोन करके मालूम करा, तो इंस्टीट्यूट जो पिन कोड है वो सही में रॉन्ग था, गलत था। अब जो पिन कोड है वो मैं यहाँ पे सही से फिल कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, टाइप कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, सिक्योरिटी पिन है नीचे, सिक्योरिटी पिन के बॉक्स में जो है ना ये जो सिक्योरिटी पिन नीचे शो हो रहा दिख रहा है आपको, ये सिक्योरिटी पिन आप सेम टू सेम जो भी है एक एक करके फिल कर देंगे, भर देंगे। फिर से आपको मैं एक बात बता दूं, जो भी सिक्योरिटी पिन है इसमें जो लेटर रहता है अक्षर हरूफ इस इंग्लिश लेटर, और कैपिटल में रहेगा तो कैपिटल और स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल, बड़ा छोटा अक्षर जो भी जिस तरह से रहेगा उसी तरह से फिल करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल करने के बाद दोस्तों सही से फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेंगे। सही से देख लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स अभी इतना देर तक फिल हो रहा था, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप सही से फिल कर लेंगे, एक एक करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट है ना, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ एक एक करके देख लेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे एस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पूछ रहा है कि क्या आप जो है सबमिट करना चाहते हैं, तो सबमिट करना आप चाहेंगे ही ऑटोमेटिकली, तो एस के ऊपर क्लिक करेंगे। नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज में रह जाएंगे, तो मैंने एस के ऊपर टैप कर दिया, क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपको जो है नेक्स्ट पेज में अगला डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है ना फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जिस भी कैंडिडेट का आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सीटेट एग्जामिनेशन के लिए, सीटेट परीक्षा के लिए, उसका जो फोटो है, फोटो वाला बॉक्स सबसे ऊपर वाला है और नीचे सिग्नेचर का बॉक्स है। नीचे आपको चूज फाइल के ऊपर जो है ना क्लिक करके सिग्नेचर आपको फिल करना है। सिग्नेचर कैसे फिल करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सिग्नेचर जो है ना एक सादा पेपर में, एकदम से सफेद व्हाइट पेपर में, लकीर वाला पेपर नहीं होना चाहिए, उसमें जो है ना आप पहले सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच लेंगे, उसके बाद आप अपने मोबाइल में रख लेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फोटो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर दिया। आपके मोबाइल में आप अपने हिसाब से गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जिस भी फोटो, जिस कैंडिडेट का जो फोटो है उस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो फोटो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस जगह में वो फोटो आपका जो है ना यहाँ पे अपलोड आपका आप कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सही से और फिर उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फोटो में आ चुका हूँ और फोटो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये फोटो है वो क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे पेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फोटो को आप देख सकते हैं, इस फोटो को जो है इस तरह से देखिए, ये जो फोटो को जो है ना इस तरह से एक बार दो उंगली पकड़ के इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए उंगली पकड़ के इसको जो है ना सही से बरोबर से कर लेंगे। ये जो खाका बना हुआ है ना, ये जो पासपोर्ट साइज फोटो जैसा, इसके अंदर ही आप अपने फोटो को रखेंगे। उसके बाद फोटो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए नीचे जो डन का ऑप्शन है, डन के ऊपर क्लिक करेंगे। डन के ऊपर टैप करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, फिर से वापस यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर के सामने से जो चूज फाइल है, यहाँ पे देखिए आपका जो सिग्नेचर है ना, वो आपका 3 KB से लेकर 30 KB के अंदर अंदर होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम फोटो के जैसा जो है ना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे, जहाँ पे भी आप अपना सिग्नेचर का फोटो खींच कर रखे होंगे। अब वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद उस फोटो, उस सिग्नेचर वाले फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर वो सिग्नेचर जो है ना आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है ना आ जाएगा। देखिए फिर से आपको करना क्या है, देखिए ये जो सिग्नेचर है इस तरह से दो उंगली पकड़ में पकड़ के इस खाके के अंदर कर देंगे, जो बॉक्स बना हुआ है, जो एकदम से घर बना हुआ है एक तरह से सिग्नेचर और फोटो को सेटअप करने के लिए, इसके अंदर ही आप पूरे पेज को रखेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से डन के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहां भी देख सकते हैं डन के ऊपर टैप कर देंगे। दोनों चीज़ आपके यहाँ पे अपलोड हो चुका है, बट नेक्स्ट का बटन नीचे शो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, नेक्स्ट का बटन जो है नीचे दिख नहीं रहा। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, अभी जो है ना पूरी काम बाकी, पूरा काम अभी हुआ नहीं है। आप क्या करेंगे, स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे, स्क्रॉल लेफ्ट करेंगे ना, तो एक एक ऑप्शन के सामने, फोटो के सामने भी, और यहाँ पे देखिए अपलोड का बटन है, देख सकते हैं आप, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्या करेंगे आप, अपलोड के ऊपर टैप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए
जैसे फोटो के सामने जो अपलोड का ऑप्शन है, इस अपलोड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अपलोड के ऊपर टैप करने के बाद दोस्तों आपका ये जो फोटो है अपलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा। तो ये बारी बारी से आपको कर लेना है, मैं भूल गया था, इसलिए यहाँ पे अब जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अपलोड के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर है ना, ये सिग्नेचर यहाँ से रिमूव हो जाएगा वापस फिर से। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सर्विसेज डॉट एनआईसी डॉट इन इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका यहाँ पे जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आप ग्रीन कलर में अपलोड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ का जो जैसे कि मैंने आपको बताया सिग्नेचर यहाँ पे रिमूव हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो फिर से आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सेम टू सेम उसी तरह से सिग्नेचर को भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से इस जगह में लेकर आ जाएंगे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ फास्ट। फिर से फ्रेंड्स चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जहाँ पे आपका ये फोटो का सिग्नेचर का फोटो रहेगा वो उसके उस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपका वो सिग्नेचर जो है यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आप उसको अपने दो उंगली से पकड़ के सही से इससे खाके में इस घर में सही से सेटअप कर लेंगे, क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे देखिए डन का बटन है, डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। डन के ऊपर जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों फिर से आपके सामने जो है अपलोड का जो ऑप्शन है अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, टैप कर देंगे अपलोड के ऊपर। हाँ, जैसे मैंने डन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये डन के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो सामने जो अपलोड का बटन दिख रहा है यहाँ पे, ये अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपलोड के ऊपर टैप करते ही दोस्तों फिर से आपका ये जो सिग्नेचर का जो डॉक्यूमेंट है, ये सिग्नेचर का जो फोटो है, ये भी जो है ना अपलोड हो जाएगा। और इसके सामने भी जो अपलोड डॉक्यूमेंट है ग्रीन कलर में जो शो हो रहा है ब्लू कलर में, वो यहाँ पे आपके सामने शो होगा ब्लू कलर में, देख सकते हैं आप। इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़, ये फोटोग्राफ यानी कि आपका फोटो कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के बाद, अब यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पिन यहाँ पे नीचे आपके सामने शो हो रहा है, ये सिक्योरिटी पिन को आप सही से एक एक करके फिल कर देंगे, सही से भर देंगे। स्मॉल कैपिटल लेटर देखिए, नंबर नंबर जो भी है आपका एक एक करके सीरियल बाय सीरियल सही से देखिए। उसके बाद जो है ना दोस्तों नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यस के ऊपर टैप करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट दिस एक्शन? जी हां, तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यस के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब यहां पे देखिए एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। अब आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन जो सिटी है कहां पे लेना चाहते हैं, किस स्टेट में, किस स्टेट का, किस जिले में आप अपना सिटी जो है ना लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए चूज एग्जामिनेशन सिटी, तो सिटी का जो ऑप्शन है उसके नीचे जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आप जिस सिटी में रहते हैं या जिस सिटी में आप लेना चाहते हैं उस सिटी को, सॉरी स्टेट को, सिटी नहीं, उस स्टेट को यहाँ पे चूज कर लेंगे। ये स्टेट का बॉक्स है तो स्टेट सेलेक्ट, स्टेट सेलेक्ट, स्टेट के नीचे जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना स्टेट जो है जिस भी स्टेट में लेना चाहते हैं उस स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद उस स्टेट का जिस जिला में आप रहते हैं या जिस जिला का आप लेना चाहते हैं उस जिला में आप यहाँ पे उस जिले को सिलेक्ट कर लेंगे, उस सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सिटी बेंगलुरु में, एग्जामिनेशन जो सिटी है वो 170 शायद के मतलब स्कूल है या कॉलेजेस है या फिर जो एग्जामिनेशन सेंटर है। टोटल कैपेसिटी दोस्तों 10,412 है। टोटल ऑक्यूपेड शायद के ये जो है 773 खाली है और टोटल वैकेंट, ये सारी चीज़ें आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर जिस भी सिटी में या जिस भी स्टेट में आप लेना चाहते हैं वहाँ पे खाली नहीं होगा, सीट कोटा फुल होकर रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, एरर आएगा और रेड कलर का यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे चूज करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए सिक्योरिटी पिन है। सिक्योरिटी पिन को फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके सही से भर देंगे। हर पेज में आपको सिक्योरिटी पिन मिलेगा, ये आपके जो है ना सिक्योरिटी के लिए है, ये आपके लिए है, ये आपकी फायदे के लिए है, परेशान नहीं होना है। तो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे सही से फिल करने के बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए फिर से आप क्या करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। आर यू वांट टू सबमिट, आर यू श्योर वांट टू सबमिट? तो जी हाँ, आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्या आप सबमिट करना चाहते हैं रियल में, हकीकत में श्योर हैं सबमिट करने में? तो जी हम सबमिट है करने में श्योर है, तो ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके के ऊपर प्रेस करते ही दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आपको पेमेंट करना है। क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। यानी आपसे बोला जा रहा है क्या आप जो यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे, तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप देख लीजिए, पहले रिव्यू कर लीजिए, सही से पढ़ लीजिए जो भी आप चीज़ें यहाँ पे एंटर किए हैं, जो भी चीज़ फिल किए हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज, अगर आपको अगर आप चेंज करना, आपको चेंज करना चाहिए कोई भी एनी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। तो दोस्तों अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप बदलना चाहते हैं, तो वो जो क्लोज का बटन है ना ऊपर में सबसे ऊपर दाएं साइड में इस वाले पेज में छोटे पेज में कट का निशान है, उस क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लोज के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी ऑप्शन में आप कुछ भी एरर देखते हैं, कुछ भी रॉन्ग देखते हैं, तो उस चीज़ को उस बॉक्स में जैसे पर्सनल डिटेल्स में अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे मैंने क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया, क्लोज के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे सही से आप एक एक करके सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखा भी है, रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है, रिव्यू करिए पहले आप सही से देख लीजिए एक एक चीज़। जैसे यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स लिखा है, पर्सनल डिटेल्स में जैसे आपने आपका कैंडिडेट्स नाम यानी जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको मिलेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जेंडर मिलेगा और यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप एक एक करके देख लेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके सही से पढ़ लेंगे, तो जो भी रॉन्ग होगा जिस भी कैटेगरी में, जिस भी ऑप्शन में, उस ऑप्शन को सही से ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर पर्सनल डिटेल्स में कोई गलती होती है, पर्सनल डिटेल्स में अगर कोई कोई भी आपको चेंजेस करना होता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, आप देखते जाइए अभी फिलहाल।
एक एक करके आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे जैसे अप्लाई फोर है, अप्लाई फोर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस तरह से देख लेंगे सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो अप्लाई फोर है नीचे, देखिए यहाँ पे कुछ रॉन्ग मैं देख पा रहा हूँ डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये देखिए अप्लाई फोर में नीचे आ जाएंगे और सही से एक एक चीज़ जो है ना यहाँ पे देख लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या, मैं मोबाइल को थोड़ा खड़ा पकड़ लेता हूँ फिर से वापस, और मैं आपको जो है ना वापस दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस है ना, अब जिस भी जगह में आपको चेंजेस करना है, जिस भी जगह में, जिस भी ऑप्शन में, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मोबाइल में मैं कर रहा हूँ, तो मोबाइल में कोई लेफ्ट बटन, लेफ्ट लिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुझे तो दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। तो आप जो है ना क्या करेंगे, जिस भी ऑप्शन में कुछ रॉन्ग है, जैसे पर्सनल डिटेल्स में अगर रॉन्ग है, अप्लाइंग फॉर्म में कुछ रॉन्ग है, तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो रॉन्ग है, जो गलती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं ये पर्सनल डिटेल्स में मेरी गलती है, पर्सनल डिटेल्स में, तो मैंने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आपकी गलती है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल्स में अगर कोई गलती रहेगी तो पर्सनल डिटेल्स में गलत देख लेंगे। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे सही से देख लेता हूँ एक एक करके, अगर कोई गलती है तो। हाँ सही से यहाँ पे फटाफट से देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक एक चीज़ करके सही से ऊपर से नीचे करके देख लेंगे, सही से स्क्रॉल डाउन करके देख लेंगे, एक एक चीज़ पढ़ लेंगे सारा चीज़ जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने फिलअप किया। उसके बाद सारी चीज़ सही होगा तो आप देख लेंगे वो भी, और नहीं सही होगा जो कुछ रॉन्ग दिखेगा तो वो भी आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आप सही से एक एक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर प्रेस कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे एस का बटन था, एस के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स का यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में कुछ भी अगर आपका रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट्स नाम में, यहाँ पे नाम में कुछ एक लेटर छूट गया था, नाम में स्पेलिंग जो है ना रॉन्ग हो गया था, तो वो मैंने ठीक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैटेगरी, नेशनलिटी, उसके बाद दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, अगर आपकी में कुछ है तो आप कर लेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर है तो यस करके देख लेंगे, यस कर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ना एक्स्ट्रा आ जाएगा, और फिर उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोकोमोटर, इम्पायर्ड, ऑर्थो, हियरिंग एंड स्पीच कुछ भी है तो आप कर लेंगे इस तरह से एक एक करके देख के, नहीं है तो दोस्तों नो कर लेंगे। देखिए मैंने एक बार एनी अदर कैटेगरी नोटिफाइड गवर्नमेंट कुछ ऐसा किया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे मैंने फिर से वापस क्या करा, नो कर दिया आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट कुछ स्टेटस जो है जो भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रखेंगे। अगर आप क्या टीचर वाला काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट एज अ टीचर बीच वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप दूसरे हिसाब से कुछ टीचर वाला काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट अदर देन टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयमेंट रख दिया मैं, नॉट एम्प्लॉयमेंट नहीं, फिर से मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और फिर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड अदर देन टीचर जो लास्ट वाला है उसको मैं चूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे पहले एम्प्लॉयड एज अ टीचर सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिक्योरिटी पिन फिर से शो रहा, तो सिक्योरिटी पिन फिर से एक एक करके देख लेंगे सही से, और फिर यहाँ पे एक एक करके एंटर कर देंगे कैपिटल स्मॉल लेटर देखिए। उसके बाद सही से देख लेने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपके सामने शो होगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर में यहाँ पे देखिए अप्लाइंग फॉर में एक पेपर के लिए, दो पेपर के लिए, जो भी जिस भी तरह से करना चाहते हैं वो यहाँ पे सही से आप देख लेंगे। और दोनों पेपर के लिए मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया, तो बहुत पेपर वन पेपर टू यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टैप करने के बाद, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाए। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे देखिए पास स्टेटस में पास्ट मैंने सेलेक्ट किया, ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग उसमें मैंने पासिंग ईयर 2019 एंटर किया, जो क्योंकि ये जो कैंडिडेट है 2019 में ये डिप्लोमा पास किया था। ये सारी चीज़ें एक एक करके टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आप एक एक करके देख लेंगे, भर लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड जो है ना वो सही से आप एक एक करके सही से फिल करेंगे, अगर आपको मालूम है ठीक है भरे, नहीं तो पूछ लें सही से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए नीचे वाला, ये भी क्योंकि पेपर टू दो पेपर के लिए मैंने ये किया, तो दोनों पेपर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे मुझे फिल करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिन कोड है, सिक्योरिटी पिन है, वो पिन कोड यहाँ, वो पिन सिक्योरिटी पिन यहाँ पे सही से एंटर करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे भी। उसके बाद यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यस के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा फिर से वापस, और फिर आपके सामने जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर अपलोड करने का जो पेज है, वो पेज यहाँ पे आपके सामने शो होगा। तो फोटोग्राफ अगर आपको चेंज करना हो, कुछ बदलना हो, तो ये भी आप बदल सकते हैं फिर से वापस दोबारा से एक तरह से अपलोड चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन जो सिटी आपने चूज किया, सेलेक्ट किया, वो यहाँ पे इस वाले पेज में आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन सिटी अगर कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे जो पिन कोड है, सिक्योरिटी पिन, उसको एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको बताता चलता हूँ, इस जगह में फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा सा काम कर रहा, तो ये फाइनल सबमिट के ऊपर अगर क्लिक ना हो कहीं पर भी, अगर इस तरह से जहाँ पे क्लिक करना होता वहाँ नहीं क्लिक हो, तो क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लोज के ऊपर थोड़ी देर वेट करने के बाद क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट करके रखे होंगे तो अगला पेज आपका जो है ना आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि मैं ये इस तरह से करा, क्योंकि जब भी मैं इस तरह से नेक्स्ट करा और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करा तो नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने क्या करा दोस्तों,
क्लोज कर दिया, क्लोज जो कट का निशान ऊपर में था दिख रहा था वो कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अगला पेज और अगला चीज आ गया। इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हुआ या फिर जो है ना कट नहीं हो गया या फिर जो है दोबारा से मुझे वर्क नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें एक एक करके आपको यहाँ पे दिखा रहा, यही आपका जो है ना इसी तरह से रिसीविंग बनेगा, जो रिसीविंग अभी आपका जो है ना फाइनल सबमिशन कीजिएगा पेमेंट करने के बाद, जो आपको आपको अपलोड क्या बोलते हैं डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके जो मिलेगा ये रिसीविंग यही इसी तरह से आपके सामने जो है आपको डाउनलोड करके मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे टोटल जितना भी है ना, यानी कि माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जितना भी आपने एंटर किया सारा, अब यहाँ लास्ट में जाकर आई एग्री के ऊपर भी क्लिक कर देंगे, उसके बाद फाइनल सबमिशन नीचे जो यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके देख लेंगे फिर से, और चेकलिस्ट जितना भी है, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, PWD, ये सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे जितना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन, उसके बाद यस यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी हाँ, फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यस का बटन दिखाई देगा, यस का ऑप्शन, यस के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और विद एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है, आप लास्ट स्टेप बच गया आपका फी पेमेंट। अब फीस देखिए फी पेमेंट का इनकम्प्लीट दिखा रहा, फीस पेमेंट करने के लिए जैसे कि आपने पहले ही मैंने आपको बताया, अगर दो पेपर के लिए आप करते हैं और आप अगर जो है ना कैटेगरी OBC से आते हैं या फिर जनरल से आते हैं या फिर NCL से आते हैं तो आपको ₹1000 और सॉरी एक पेपर के लिए ₹1000, दो पेपर के लिए ₹1200, और अगर आप दूसरे कैटेगरी SC ST और इस तरह से दूसरे कैटेगरी के लिए आते हैं तो दोस्तों ₹500 एक पेपर के लिए, दो पेपर के लिए ₹600। तो यहाँ पे जो पे एग्जामिनेशन फीस जो दिख रहा था ना आपको, पे एग्जामिनेशन फीस जो आपको दिख रहा, उस पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद इस वाले पेज में आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यानपूर्वक आप देखेंगे यहाँ पे सही से एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही से समझा के थोड़ा सा रुक रुक के देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऊपर शो रहा है, एक्टिविटी एग्जामिनेशन फी पेमेंट, योर फील्ड एग्जाम सिटी इज बैंगलुरु कर्नाटका, उसके बाद टोटल वैकेंट सीट 9674 सीट खाली है, उसके बाद देखिए दोस्तों सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, नीचे देखिए सेलेक्ट मोड पे ऑफ पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है ना उसके ऊपर चूज कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो यस तो ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप जो है ना पेमेंट करने के लिए जाना चाहते हैं, तो ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, जाना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं तो भी आप बैक जो है जा सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, बाद में आके जो है ना लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से ये सारी चीजें आपके सामने शो रहा, तो यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से, तीन ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है एक तरह से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या फिर जो है नेट बैंकिंग से। तो दोस्तों मैंने कार्ड चूज कर लिया, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट अमाउंट, यानी ₹1200 यहाँ पे सबसे ऊपर में जो शो रहा है, ₹1200 आपको पे करना है, क्योंकि दो पेपर के लिए मैंने अप्लाई किया, दो पेपर का एग्जाम देना है तो ₹1200 यहाँ पे पेमेंट करना है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड चूज किया, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है, तो कार्ड नंबर सबसे पहले आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद कार्ड का जो एक्सपायरेशन डेट है, मंथ है, ईयर है, वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, CVV नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो टाइप करेंगे नीचे में, यहाँ पे एंटर कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे जो सबमिट का बटन है सबमिट के ऊपर टैप करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों देखिए मैंने सारा चीज फिल कर दिया, सारा चीज यहाँ पे एंटर कर दिया, अब मैक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबमिट नहीं दोस्तों मैक पेमेंट के ऊपर टैप करेंगे, मैक पेमेंट के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया दोस्तों। अब मैक पेमेंट के ऊपर टैप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, कन्विंस फीस कुछ भी नहीं है, आपको ₹1200 पेमेंट करना, प्रोसीड विद पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे कोने में प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे फीस पेमेंट करने के लिए। अगर आप जो है दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू मेरे द्वारा कर सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करके दे सकता हूं। यहां पे देखिए CBSE सीटेट देखिए मर्चेंट CBSE सीटेट ट्रांजेक्शन अमाउंट, यहां पे जो OTP आया वो OTP को यहां पे सही से देख लेंगे, OTP को सही से देखने के बाद दोस्तों यहां पे क्योंकि OTP एंटर करना पड़ेगा तभी जाकर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों मैंने OTP देख लिया, OTP देखने के बाद आप यहां पे जो है ना बिना देखे बिना किसी को दिखाए OTP देखने के बाद दोस्तों आप यहां पे एंटर कर लेंगे, तो OTP आप किसी को नहीं दिखाएंगे, यहां पे जो OTP शो रहा है। तो दोस्तों मैंने OTP देख लिया, OTP देखने के बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट ऑल ऑफ पेज में चले जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सीटेट का एप्लीकेशन, सीटेट अप्लाई सीटेट के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मेरे थ्रू करवा सकते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के ऊपर भी देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपको बताता चलूं, आपको जो है ₹200 एक्स्ट्रा लगेगा, चाहे आप एक पेपर के लिए भरें या दो पेपर के लिए भरें, ₹200 आपको जो है ना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, जो क्योंकि आपने देखा आपको मालूम भी है कि पेमेंट होता पेमेंट करना पड़ता है ₹1000 या ₹1200, या फिर अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, अगर आप ₹500 या ₹600 पेमेंट करते हैं तो ₹200 एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर मैं आपको अप्लाई करके दूंगा तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूं, बाद में आपकी मर्जी है। उसके बाद दोस्तों यहां पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद OTP एंटर कर देंगे तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहां पे देखिए वी पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं आप, मैं आपको मोबाइल को जो है ना थोड़ा सा रोटेट करके दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स यहां पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2022 एक एक करके देखिए तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जैसे
हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वीप एप्लीकेशन फॉर्म, वीप पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीशन पेज। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा, देख सकते हैं आप, ये एप्लीकेशन नंबर भी आप सही से नोट कर लेंगे और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो है ना कंफर्मेशन पेज यही है, यही रिसीविंग है आपका, यही आपको जो है अपने पास सही से रख लेना है, सही से आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये मोबाइल में पहले डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद प्रिंट प्रिंटर के पास जाके, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट में जो है ना आप प्रिंट आउट निकाल देंगे। तो नीचे सबसे ऊपर में कोने में देखिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज है, सबसे ऊपर कोने में दूसरा वाला जो ब्लू कलर में दिख रहा, तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। प्रतिशत में जैसे ही डाउनलोड होगा, जैसे ये 100% होगा तो आपके सामने जो है ना आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों एक दो तीन चार पाँच जितना भी आप डाउनलोड करना करके रखना चाहें, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड डन सक्सेसफुली, डाउनलोड डन सक्सेसफुली, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, एक पेज मैंने डाउनलोड कर लिया। दोबारा से अगर आप डाउनलोड करना चाहें फिर से ऊपर में उसी सबसे ऊपर जो दाएं साइड में राइट कॉर्नर पे जो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन है सबसे ऊपर में उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से दो तीन जो है ना पेज दो तीन जो है ना करके डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मोबाइल में भी सही से फोटोज वाले एप्लीकेशन में, गूगल फोटोज में, गूगल ड्राइव में, हर जगह में जो है एक एक करके रख लेंगे, सही से रख लेंगे और सही से जो है ना, क्योंकि बाद में अगर जो प्रिंट आउट निकालेंगे अगर वो गुम हो जाएगा तो बाद में चलकर आप उसको दूसरे को जो सेव करके रखेंगे मोबाइल में, उसको भी आप जो है ना सही से जब रखेंगे तो दोबारा से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये थी कुछ जानकारी, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी दिया। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दो। हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैंने आपको बारीक बारीक चीज़ों को समझाया, बारीक बारीक चीज़ों को जो है ना मैंने आपको बताया। ये वीडियो अगर आप जो उनको खास करके जिनको मालूम ही नहीं है, जिनको आता नहीं है फॉर्म फिलअप करना, खास करके वो लोग अगर देखेंगे तो वो एकदम से 100% श्योर हूँ कि उनको जो है ना फॉर्म फिलअप करना, खास करके सीटेट का इस तरह का फॉर्म जो है ना आप फिलअप करना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि कुछ इन्फॉर्मेशन सीटेट एप्लीकेशन कैसे भरेंगे, सीटेट अप्लाई कैसे करेंगे, सीटेट एग्जामिनेशन के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन मोबाइल से, अपने मोबाइल से जी हाँ, आपके पास मोबाइल है तो आप उसी से आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल से ही सारा चीज़ कंप्लीट करके दिखाया, सारा चीज़ एक एक करके मैंने आपको दिखाया, सिखाया, समझाया। दोस्तों अगर आप सीख गए, समझ गए, अगर आप फॉर्म फिलअप करना जान गए और आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, कुछ समझे हैं, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और इस तरह से मेरा ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिनको आता नहीं है फॉर्म फिलअप करना उनके पास आप शेयर कर दें और इस तरह से दोस्तों हर जगह में शेयर करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरा सपोर्ट करें और इस तरह से दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप करना सीख गए, समझ गए, तो दोस्तों मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर लिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।